Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the biology class. Today we would be discussing about bacteriophages and the life cycle of bacteriophages. So first of all, what are bacteriophages? As you already know, that bacteriophages are the viruses that infect bacteria. And we have discussed it in our class that viruses have the ability to infect almost all of the living organism, whether they are plants, whether they are animals, fungi, bacteria. ठीक है, तो bacteria, bacteriophages को वो viruses हैं जो bacteria को infect कर रहे होते हैं. ठीक है, और हमारे पास बहुत सारे bacteriophages हैं और हर एक जो bacteriophage है वो एक specific तरह के bacteria को infect कर रहा होता है. ठीक है, और अगर हम उनके लाइफ साइकिल की बात करें या किस तरह से बैक्टीरियोफेजेस जो हैं वो अपना जो रेप्लिकेशन है, अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, उसकी बात करें तो हमारे पास दो तरह के लाइफ साइकिल हैं बैक्टीरियोफेजेस के. वी हैव टू टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल. द वन इज टर्म्ड एज लाइटिक साइकिल. एंड द अदर वन is termed as lysogenic cycle. और आज हम सिर्फ और सिर्फ लाइटिक साइकिल की बात करें, जनरल डिस्कशन इन दोनों के बारे में करके. तो लाइटिक साइकिल को और जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है मास्टर स्लेव रिलेशनशिप का भी. यहाँ पे आपका वायरस जो है वो एज अ मास्टर एक्ट कर रहा होता है और बैक्टीरिया एज अ स्लेव एक्ट कर रहा होता है, और जो मास्टर है वो अपने स्लेव को डायरेक्ट करता है कि वो अपने मास्टर यानी कि वायरस के डीएनए और उसके प्रोटीन को सिंथेसाइज करे, उनको असेंबल करे, और एट द एंड जो है वो सेल की लाइसिस हो जाती है, जैसा से नाम बता रहा है लाइटिक साइकिल, जिसकी वजह से सेल की बर्स्टिंग या सेल की डेथ हो जाती है. ठीक है, तो मास्टर जो है वो यहाँ पे होता है वायरस, और स्लेव जो है वो आपका बैक्टीरिया या फिर होस्ट होता है. ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा वायरस या कुछ ऐसा साइकिल है जिसमें आपके पास डेथ हो जाती है बैक्टीरिया की या होस्ट की, तो इट रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर द वायरस हैज कंप्लीटेड इट्स लाइफ साइकिल एट प्रोडक्शन ऑफ द यंग वंस. इट रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फेज पार्टिकल्स. Formation of new virus या फिर phage particles. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं lytic cycle. अब ये virus या ये वाला cycle कौन कौन से bacteria कर सकते हैं या फिर उनको क्या नाम दिया जाता है, तो उन bacteriophages को virulent phages का नाम दिया जाता है जो कि lytic cycle को adapt करते हैं. ठीक है, और अगर हम इनकी examples की बात करें तो इसमें T2 और T4 phages, T for type, ठीक है, ये वो phages होते हैं जो Escherichia coli या E. coli bacteria को infect करते हैं. अगर हम lysogenic cycle की नाम के बारे में बात करें तो इसको host-guest relationship का नाम भी दिया जाता है. ठीक है, और इसमें अब होस्ट कौन होता है और गेस्ट कौन होता है, तो जिस तरह से एक होस्ट गेस्ट वाला रिलेशनशिप चलता है उसी तरह से यहाँ पे भी होता है कि जो आपका होस्ट है वो बैक्टीरिया होगा और गेस्ट जो है वो वायरस का डीएनए होता है, वायरल का डीएनए. और यहाँ पे वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के अंदर इंटीग्रेट हो जाता है और हर एक बैक्टीरियल डिवीजन के साथ साथ उसमें चल रहा होता है जब तक वो उसकी इंडक्शन नहीं होती कि वो लाइटिक साइकिल के ऊपर शिफ्ट ना हो जाए तब तक. ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है. तो लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर आपका जो वायरल डीएनए है वो इंटीग्रेट हो जाता है. हियर द इंटीग्रेशन ऑफ वायरल डीएनए अकर्स, वायरल डीएनए इनटू बैक्टीरियल डीएनए अकर्स. ठीक है, बैक्टीरियल डीएनए अकर्स. ठीक है, और जो आपका होस्ट या फिर बैक्टीरिया है वो हर एक सक्सेसिव डिवीजन के साथ साथ होस्ट या फिर बैक्टीरिया हर जो उसकी सक्सेसिव डिवीजन हो रही होती है उसमें आपके जो
वायरल डीएनए है उसको अपने साथ कैरी करता है, वायरल डीएनए को कैरी करता है अलॉन्ग विद इट, अलॉन्ग विद इट इन ईच सक्सेसिव डिवीजन, ईच सक्सेसिव डिवीजन, ठीक है। और इसको हम प्रोफेज का नाम भी दे सकते हैं। अब कौन कौन से वायरसेस जो हैं वो ये वाला काम करते हैं, तो उनको टेम्परेट फेजेस का नाम दिया जाता है, टेम्परेट फेजेस का हम उनको नाम देंगे। फॉर एग्जांपल लैम्डा, लैम्डा फेजेस जो हैं वो लाइसोजेनिक साइकिल को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं जी, आप हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज लाइटिक साइकिल, कि किस तरह से लाइटिक साइकिल जो है वो आगे चलता है और वो उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम उसकी बात करें तो लाइटिक साइकिल में जैसा अभी हमने डिस्कस किया, हाँ जी, तो हम बात करने जा रहे हैं अबाउट दी लाइटिक साइकिल। अब जिस तरह से हमने पहले भी डिस्कस किया है कि लाइटिक साइकिल में होता क्या है कि हमारे पास फेजेस जो होते हैं वो दे आर टर्म्ड एज वेरुलेंट फेजेस एंड दे कॉज कॉज डेथ ऑफ होस्ट, डेथ ऑफ होस्ट, ठीक है। और इसमें हमने अभी बात की कि एक मास्टर स्लेव रिलेशनशिप वाला होता है, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप यहाँ पे चलता है। और कौन कौन से फेजेस करते हैं ये काम, तो टी ई वन फेजेस जिसकी अभी हमने एग्जांपल ली, जैसा से टी टू फेज है, उसके अलावा टी फोर फेज है, तो ये वाला काम वो कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें डिफरेंट फेजेस होती हैं, और ये फेजेस, अब ये फेजेस जो हैं कौन से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे ई कोलाई, एसेर्शिया कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने की, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप फॉलो किया जाता है तमाम बैक्टीरिया में या तमाम साइकिल्स में, वेदर दैट इज लाइटिक साइकिल और वेदर दैट इज लाइसोजेनिक साइकिल, तो उसमें वो पहला स्टेप जो है वो हमेशा अटैचमेंट या फिर एडजॉर्प्शन का स्टेप होगा, अटैचमेंट या फिर एडजॉर्प्शन का स्टेप यहाँ पे होगा कि सबसे पहले द वायरस पार्टिकल गेट्स अटैच एट अ स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द दैट इज प्रेजेंट ऑन द बैक्टीरियल सेल, ठीक है, वहां पे वो अटैच हो जाता है। तो हम अपने लिए बैक्टीरिया को ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये है जी हमारा एक बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया के अंदर ये उसका हम ये डीएनए बना लेते हैं, बैक्टीरिया का डीएनए, ठीक है। और हम ये अपना वायरस का पार्टिकल बना देते हैं, ये वायरस का पार्टिकल है और उसके अंदर ये उसका ग्रीन डीएनए मौजूद है। आपको पता है कि ये वायरस का हेड वाला रीजन है और ये जो है ये वायरस का टेल वाला रीजन है, ठीक है। और टेल का स्ट्रक्चर हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है अपने क्लासेस के अंदर। और इसके जो टेल है, इसके जो टेल फाइबर मैंने ये ड्रॉ किया है, इसकी टिप के ऊपर हमें पता है कि एक प्रोटीन मौजूद होता है जिसको कहा जाता है रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, जिसकी मदद से वो यहाँ पे रिसेप्टर के साथ नाम रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन, द प्रोटीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ दिस स्पेसिफिक सॉरी वायरस टू द रिसेप्टर और दैट इज प्रेजेंट ऑन द बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है। तो वो रिसेप्टर कोई भी हो सकता है, अगर हम रिसेप्टर्स की बात करें जो कि बैक्टीरिया के सेल के ऊपर मौजूद होते हैं, तो वो कोई भी प्रोटीन हो सकता है, वो लाइपोपोलीसेकेराइड्स हो सकते हैं जिनको हम एलपीएस का नाम भी दे सकते हैं, लाइपोपोलीसेकेराइड्स, जैसा से लिपिड्स और पोलीसेकेराइड्स की कॉम्बिनेशन होती है। उसके अलावा जैसा से एक और रिसेप्टर होता है ओ एम पी सी रिसेप्टर, इसको ओ एंटीजन जिसको हम कह सकते हैं, ओ एंटीजन कोर ओलिगोसेकेराइड, कोर ओलिगोसेकेराइड लिपिड सी रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होता है आपके बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर, और वहां पे ही रिसेप्टर, अगर मैं ये बना लूं तो इस रिसेप्टर के साथ ये रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो बाइंड करेंगी
और हमारे पास अटैचमेंट हो जाएगी वायरस पार्टिकल की कुछ इस तरह से कि हमारे पास ये आपका बैक्टीरिया और ये हो जाएगा वायरस का, वायरस हो गया वो बाइंड कर गया और ये बैक्टीरिया का डीएनए रेड में, ठीक है। तो उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है पेनिट्रेशन का स्टेप, जिसमें आपका जो बैक्टीरिया वायरस का डीएनए है वो पेनिट्रेशन और इंजेक्शन का स्टेप है, जिसमें वायरस का डीएनए इंजेक्ट हो जाता है यहाँ पे हमारे पास इस बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो टेल है, टेल के अंदर एक एंजाइम जिसको हम लाइसोजाइम का नाम देते हैं वो प्रोड्यूस होता है और वो सेल वॉल को डिग्रेड कर देता है, सेल वॉल को डिग्रेड कर देता है, उसके अंदर होल्स क्रिएट कर देता है और उसके साथ ही ये जो आपका हेड है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, हेड कॉन्ट्रैक्ट करता है, साथ में ये टेल भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से जो इसका कोर होता है वो इंसर्ट हो जाता है इस सेल के अंदर या बैक्टीरिया की सेल वॉल और उसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और उसकी वजह से फिर एटीपी के थ्रू जो कि यहीं पे बैक्टीरियोफेज के अपने अंदर उसकी शीथ के अंदर 144 एटीपी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके थ्रू आपका जो डीएनए है उसको इंसर्ट कर दिया जाता है बैक्टीरिया के अंदर, कुछ इस तरह से जो आपके सामने मैं ड्रा करने वाला हूँ कि हमारे पास ये आ गया। जैसे ही वो इंजेक्शन हुई तो यहाँ से कुछ इस तरह से जो कोर है वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को चीरती हुई यहाँ पे आ जाएगी, लाइसोजाइम ने उसको एक रास्ता प्रोवाइड किया था और यहाँ से ये डीएनए को इंजेक्ट कर दिया जाएगा यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर अपना पहले से डीएनए मौजूद और यहाँ पे किस्म के थ्रू हुआ है ये काम, तो एटीपी की हाइड्रोलिसिस के थ्रू एटीपी कन्वर्ट हुआ एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर, और उसने इस प्रोसेस के लिए सेल ये जो आपका डीएनए है उसकी कॉन्ट्रैक्शन और यहाँ की कॉन्ट्रैक्शन और डीएनए की इंजेक्शन की वजह से उसके लिए जो एनर्जी है वो उसने प्रोवाइड की और अब हमारा जो डीएनए है वो अंदर पहुँचाया, ठीक है, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर पहुँचाया है, और ये जो हमारा वायरस है इसको फिर हम एम्प्टी वायरस या एम्प्टी फेज का नाम भी दे सकते हैं या फिर गूस फेज का नाम भी दे सकते हैं, जो कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस ज्यादातर बैक्टीरियोफेजेस में वो बाहर ही रहता है, उसका जो प्रोटीन का कैप्सिड होता है और उसकी टेल जो का स्ट्रक्चर होता है, कुछ में जो है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेल के अंदर इंसर्ट होता है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड स्टेप होता है वो है हाइड्रोलिसिस, जिसमें आपके जो बैक्टीरिया या होस्ट के डीएनए है उसको हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है उसके कंपोनेंट्स के अंदर, के ये जो रेड वाला है इसको फिर छोटे छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि वो इसके अपने काम को इंटरप्ट ना कर सके, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास जो चौथा स्टेप आ जाता है वो है जी आपके पास असेंबली का स्टेप या बायोसिंथेसिस स्टेप, जिसमें आपके पास बायोसिंथेसिस की जाती है वायरल डीएनए की या और उसके प्रोटीन की, जो चौथा स्टेप है वो है बायोसिंथेसिस का स्टेप, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था वायरस की डेफिनेशन के अंदर कि वायरस जो है वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं और वो अपने होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही वाला काम होगा कि अब हमारे पास ये हमारा बैक्टीरिया उसका डीएनए डिग्रेड हुआ हुआ है, तो इसलिए हम उसको जरा नहीं इंडिकेट करते। ये जो आपका बैक्टीरिया वायरस का डीएनए ग्रीन है वो अब सिंथेसाइज करता है अपने न्यू पार्टिकल्स, न्यू ग्रीन पार्टिकल्स, जिस तरह से न्यू ग्रीन डीएनए बनता जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद वो सिंथेसाइज करता है अपने स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जिस तरह से ये कैप्सिड्स हैं, ठीक है, या हेड के रीजन्स हैं वो सिंथेसाइज किए जाते हैं, उसके अलावा टेल फाइबर्स, उसके अलावा जो टेल का कोर या उसके जो शीथ के प्रोटीन्स हैं वो सारे के सारे सिंथेसाइज किए जाते हैं। इसी तरह से ये जो कॉलर का रीजन हो जाएगा कुछ इस तरह से, अच्छा जो आपकी एंड प्लेट हम कह सकते हैं कुछ इस तरह से सिंथेसाइज होंगी, तो ये सारे के सारे सिंथेसाइज जैसे ही हो जाएंगे तो उसके बाद इसको हम कहते हैं बायोसिंथेसिस का स्टेप, ठीक है, जो कि तीन स्टेप्स में चलता है। बायोसिंथेसिस में सबसे पहले जो होस्ट की ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी है, यानी कि होस्ट की वो मशीनरी जिसके थ्रू वो अपने प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होता है, उसके प्रोसेसेस को स्टॉप कर दिया जाता है ताकि वो अपने प्रोटीन सिंथेसाइज ना कर सके। दूसरे में जो वायरल डीएनए है उसकी सिंथेसिस होती है, और तीसरे स्टेप में
वायरस के जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं उनकी सिंथेसिस होगी, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स ऑफ वायरस, ठीक है, उसकी सिंथेसिस होती है। उसके बाद फिर हमारे पास पांचवा स्टेप आ जाता है जिसमें इनकी असेंबली होती है, असेंबली ऑफ वायरस पार्टिकल्स हम इसको कह सकते हैं, जिसमें जो वायरस के न्यूली फॉर्म पार्टिकल, उसका डीएनए और उसका आरएनए है, उनको असेंबल किया जाता है इनटू न्यूली फॉर्म फेजेस, ठीक है, कुछ इस तरह से कि हमारे पास ये बैक्टीरियल सेल और उसमें अब ये पार्टिकल जो हैं वो असेंबल हो गए एक दूसरे के साथ, डीएनए को उसमें इंसर्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर ये न्यू पार्टिकल जो हैं वो फेजेस इस तरह से यहाँ पे हमारे पास बन गए, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास छठा स्टेप आता है, असेंबली हो गई हमारे पास, तो उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो है लाइसिस का स्टेप। अब लाइसिस में क्या होता है कि एक एंजाइम या एक प्रोटीन जिसको हम लाइसीन का नाम देते हैं, जो कि वायरल या फेज का प्रोटीन है, वो प्रोड्यूस किया जाता है जो कि सेल वॉल के अंदर होल्स क्रिएट कर देता है, उसके अंदर होल्स क्रिएट कर देता है। अब इन होल्स, ये फॉर एग्जाम्पल ये भी होल हो गया, ये भी होल हो गया लाइसिन की मदद से, इसके अंदर से वाटर एंटर होता है सेल के अंदर, ठीक है। जैसे ही वाटर एंटर होता है तो उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है सेल के ऊपर, जिसकी वजह से सेल बर्स्ट हो जाता है, उसकी वजह से बर्स्टिंग या फिर सेल की या बैक्टीरियल होस्ट सेल की लाइसिस हो जाती है, बर्स्टिंग हो जाती है या फिर हम जिसको लाइसिस का नाम देते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हो जाता है जिसको कहा जाता है रिलीज ऑफ न्यूली फॉर्म फेजेस, न्यूली फॉर्म फेजेस के जो न्यूली फॉर्म फेज पार्टिकल्स हैं उनको फिर रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है, और वो फिर आगे जाके दोबारा से अपने जो यही वाला साइकिल है उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी कि लाइटिक साइकिल कैसे होता है, और अगली क्लास में हम